हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेलवे मैन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे के प्लेटफार्म पर आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपको कौन कौन से सावधानियां स्टेशन पर बरतनी चाहिए जब आप अपने सफर को रेलगाड़ी के द्वारा शुरू करते हैं। जब आप रेलवे की सफर के लिए प्लेटफार्म पर जाते हैं तो गाड़ी के समय से पहले लगभग 20 या 30 मिनट पहले जाएं। यदि आप खिड़की से टिकट लेना चाहते हैं तो आपको 20 से 30 मिनट पहले जरूर जाना चाहिए, क्योंकि खिड़की के सामने कभी कभी लंबी लाइनें लगी होती है जिससे कि टिकट लेने में आपको कुछ देरी हो सकता है। और अगर आप लेट करके स्टेशन पहुंचते हैं तो हो सकता है टिकट लेने के दरमियान आपका गाड़ी निकल जाए। इसलिए टिकट लेने के लिए गाड़ी के समय से पहले आपको स्टेशन पर पहुंचना जरूरी होता है। और अगर आपने पहले ही टिकट बनवा रखा है फिर भी ट्रेन के समय के पहले यानी 10 या 15 मिनट पहले आपको जरूर प्लेटफार्म पर पहुंच जाना चाहिए। जब आप अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो आपके पास कोई अवांछित चीजें नहीं होनी चाहिए, आपके पास वो सारी चीजें ही होनी चाहिए जो आपको जरूरत हो। इस तरह से आपके पास कम सामान होगा और आपको यात्रा में आसानी होगी। जब आप प्लेटफार्म पर होते हैं और अगर कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म से गुजरती है तो आपको कम से कम 5 फीट की दूरी जरूर बना लेनी चाहिए जिससे कि कोई दुर्घटना होने की चांस नहीं हो। और दोस्तों, ध्यान में रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी चलते समय गाड़ी में उतरने की या फिर चढ़ने की कोशिश न करें, अन्यथा आपको दुर्घटना हो सकती है। जब आप रेलवे के प्लेटफार्म पर पहुंच जाते हैं तो बिना किसी वजह के इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। अगर आप इधर उधर घूमते हैं तो हो सकता है इसी बीच में आपका ट्रेन आ जाए और हो सकता है आप ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए। इसीलिए प्लेटफार्म पर इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब कोई भी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आती है तो बुजुर्गों को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, चाहे वह चढ़ने के क्रम में हो या फिर सवारी उतरने के क्रम में हो। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसे जरूर सहायता करनी चाहिए। जब आप प्लेटफार्म पर होते हैं तो आपको जहां तहां नहीं थूकना चाहिए या फिर किसी भी चीज को खा करके उसके पैकेट को नहीं फेंकना चाहिए, यानी स्टेशन को स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए। उसके बाद अगर आपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं प्लेटफार्म पे तो आपको बराबर उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं जो प्लेटफार्म पर मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं और इधर उधर घूमने लग जाते हैं। इस वजह से उसकी मोबाइल वहां गुम भी हो सकती है। इसलिए अगर आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो आपको मोबाइल के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप प्लेटफार्म पे जाते हैं तो आपको ध्यान से अनाउंसमेंट को सुनना चाहिए, क्योंकि कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफार्म पे आ रही है इससे सही सही जानकारी लग पाएगी तथा आप उस गाड़ी को आसानी से पकड़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता होती है कि यह रेलगाड़ी इस नंबर के प्लेटफार्म पर आएगी लेकिन उसे अचानक चेंज कर दिया जाता है, इसीलिए आपको अनाउंसमेंट को ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आती है तो पहले चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी कि पहले जो सवारी उतरने वाले हैं उसे उतरने देना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेन में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन इस समय में आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपके पर्स या फिर बैग में जो सामान है उसे सुरक्षित रूप से रख लेना चाहिए, क्योंकि उस क्रम में सिर्फ आपको चढ़ने की जल्दीबाजी रहती है, आप अपने सामान को ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए गाड़ी में प्रवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, आप जब भी यात्रा करें और प्लेटफार्म पर जाएं तो ये सारी चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम रेलवे।